और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बिहार से बड़ी खबर, जहां सासाराम में जोरदार बम धमाका हुआ। घटना में 6 लोगों के घायल होने की खबर है। धमाके के बाद लोगों को घरों में रहने के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हिंसा की वजह से गृह मंत्री अमित शाह की सासाराम रैली को भी रद्द कर दिया गया है। तो बड़ी खबर। और अमिताभ ओझा मेरे सहयोगी सीधा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, क्या फिलहाल अपडेट, क्योंकि जिस तरह से धमाका हुआ है, क्या कुछ इसके पीछे कारणों का, किसकी ये सब हरकत थी, किसने ये धमाका किया, क्या जानकारी मिली? चलिए अमिताभ ओझा के पास लौटेंगे। सौरभ मेरे सहयोगी, वो भी जुड़े हुए हैं। सौरभ, इस मामले में क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, इस धमाके के पीछे क्या कारण, कौन लोग जिम्मेदार? जी बिल्कुल, जिस तरीके से रामनवमी के बाद हिंसा भड़की है बिहार के अलग अलग जिलों में, चाहे हम सासाराम की बात करें, नालंदा की बात करें, गया की बात करें या फिर भागलपुर की बात करें, तो उसके बाद स्थिति जो है काफ़ी तनावपूर्ण है। अगर सासाराम की बात करें तो कल वहां पर बम विस्फोट भी हुआ है जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। हालाँकि उनको तुरंत ही स्थानीय जो सदर हॉस्पिटल है वहाँ पर ले जाया गया और अभी भी उनकी जो स्थिति है वह काफ़ी गंभीर बनी हुई है। प्रशासन की माने तो उनका कहना था कि एक घर में बम जो है वह बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, वहीं पर बम ब्लास्ट हुआ है और उसी में 6 लोग घायल हुए हैं। हालांकि पिछले 3 दिनों से सासाराम में काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति है और इसी को देखते हुए प्रशासन ने पहले कहा था कि वह 144 धारा लगा दिया है, लेकिन कल जिस तरीके से डीएम सामने आए सासाराम के और उन्होंने कहा कि शहर में 144 धारा नहीं लगाई गई है। हालांकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कहा था कि चूंकि सासाराम में 144 धारा लगा दी गई है, इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह का जो प्रोग्राम होने वाला था उसको रद्द कर दिया गया है। लेकिन बाद में सरकार के कई मंत्री और खुद मुख्यमंत्री सामने आए और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सासाराम में धारा 144 नहीं लगाई गई है। तो बिल्कुल एक तरफ बिहार के 3-4 जिलों में स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है और दूसरी तरफ इस पर अब सियासत भी होने लगी है। जी बिल्कुल, देखिए सुशासन बाबू के राज्य में ये सब हो रहा है, सवाल उठना लाजमी ही है कि रामनवमी से जो शुरू ही हिंसा है अब तक सौरभ, वो शांत नहीं हो पा रही है, लगातार तनावपूर्ण स्थिति वहां पर बनी हुई है और अभी भी सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, अगर सबसे पहले अगर सासाराम के बाद अगर बात करें तो नालंदा की बात करें, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला माना जाता है, वहां भी 3 दिनों से स्थिति जो है काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। कल शाम में प्रशासन ने पूरे जो तनावपूर्ण वाले इलाके हैं उसमें कर्फ्यू लगा दिया है। तो आप समझ सकती हैं कि मुख्यमंत्री का गृह जिला, वो भी एक तरीके से कहें तो रामनवमी के बाद वहाँ भी स्थिति जो है काफ़ी तनावपूर्ण है। तो केवल सासाराम की बात नहीं है, नालंदा की बात करें, गया की बात करें, भागलपुर की बात करें, तो रामनवमी के बाद यहाँ पर स्थिति जो है काफ़ी खराब है, तनावपूर्ण है। हालाँकि इसी बीच आज जो गृह मंत्री अमित शाह है वह नवादा जा रहे हैं, उनका एक कार्यक्रम है, जनसभा होना है और करीब 2 बजे यह कार्यक्रम होना है। और उसके पहले अभी अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह पटना में हैं और अब से कुछ ही देर के बाद करीब 9 बजे सुबह हुआ बीजेपी के कई नेताओं के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद करीब 11:30 बजे उनका SSB में एक प्रोग्राम है। सौरभ, और बने रहिएगा, आपसे आगे भी इस पूरे मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन जो सासाराम रैली थी गृहमंत्री अमित शाह की, वो फिलहाल रद्द कर दी गई है। पटना में फिलहाल गृहमंत्री मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिएगा News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।